के साथ। कन्नौजिया युवा शक्ति फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष व धोबी घाट समिति संयोजक रमेश चौधरी के नेतृत्व में शिवपुर स्थित रानी पोखरा के सुंदरीकरण के संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम प्रशासन से मिला। इस दौरान श्री चौधरी ने अपर नगर आयुक्त के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि सुंदरीकरण के साथ साथ धोबी घाट का निर्माण अति शीघ्र कराया जाना चाहिए, जबकि पूर्व से धोबी घाट के लिए शिवपुर स्थान चिन्हित किया गया था, लेकिन गतिरोध के कारण निर्माण नहीं हो पाया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि गतिरोध को समाप्त कर अति शीघ्र धोबी घाट निर्माण होने चाहिए, अन्यथा इसका लामबद्ध होकर विरोध किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि हम सुंदरीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के रोजी रोटी व जीवन यापन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में मानवेंद्र प्रदेश सलाहकार संगठन राहुल चौधरी, धनराज कन्नौजिया, राहुल कन्नौजिया आदि लोग शामिल थे। काफी लंबे समय से शिवपुल धोबी घाट के लिए जगह स्थान चयनित की गई है और अब तक धोबी घाट का निर्माण नहीं हुआ। अगर उस तालाब के अंदर 250 वर्ष पूर्व से धोबी समाज के लोग कपड़ा धो रहे हैं, अगर आज सुंदरीकरण हो गया, पर्यटक स्थल बन गया, तो वो धोबी समाज के लोग कहाँ जाएंगे। इस वजह से आज हमने अपर साहब को यह पत्रक दिया है। अपर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो सुंदरीकरण के चीफ हैं, मैं आते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और आप समाज के लोग निश्चिंत रहें, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सुंदरीकरण का कार्य होगा तो उसके साथ साथ धोबी घाट का भी निर्माण कार्य होगा। हमको तो अब आश्वासन तो मिला है, अब आगे नहीं होगा तो हम दलितों की आवाज़ दब जाती है, लेकिन आप लोग के सहयोग से उस आवाज़ को उठा दिया जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें अपने रोजी रोटी का मामला है, उसके लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर हम आंदोलन स्तर पर आएंगे अपनी मांग के लिए। सच के साथ।